इनके सर का वो कर रहे थे, इनके सर का वीडियो ला रहे थे क्योंकि सेरेमनी होने वाली थी। अरे मैंने उंगली हटा दी, इनका एक तो कर रहा है ऊपर से। रवि मौर्या जी, क्या चल रहा है? हेलो बच्चों, सभी लोग साइलेंट हो जाइएगा। ये राधे भाई सर आपसे बात करेंगे, ठीक है? यस सर। सर आप कहाँ खड़े हैं सर? फोटो दिखाओ, मेरी फोटो मत दिखाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी बोल रहे हैं तो मेरी फोटो लगा दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज आप लोग अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड कम करिए। बिना आवाज कैसे हम बातें कोई बातें हम सुन मैनेज कर लेंगे तो बोलने दो। अच्छा बोलेंगे तो अपना चालू हो जाएगा। बताओ 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 सर, सबको म्यूट करा दीजिए, बाकी कंटेस्टेंट से म्यूट करा दीजिए। आप मेन होस्ट ऑन रखिए, बाकी सबसे कह दीजिए सब म्यूट कर लें। नहीं नहीं, हम लोग का म्यूट है, बाकी सबका म्यूट हो गया। जो बोलेगा उसी उसी की आवाज आएगी। हाँ तो बाकी सब कंटेस्टेंट से म्यूट करा दीजिए और आप सेंट्रल ऑन ऑन रखिए अपना, बाकी हम लोग म्यूट कर ले रहे हैं। वो कर देना। थैंक यू सब। थैंक यू। वो सबका फोटो देगा सामने, सबके स्क्रीन पर, बाकी सबके स्क्रीन पर। पता चलता है ना कौन है कौन। Hello boy, once again good morning, good morning everyone. Good morning sir. Good morning and very happy and happy Independence Day. Happy Independence Day. चलिए आप लोग को सबको स्क्रीन से देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Yes sir. इतने हम लोग इतने सारे बच्चे ऑनलाइन आके अपनी पढ़ाई और पार्टिसिपेशन कर रहे हैं,
सर। चलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस इंडिपेंडेंस पे कि आपने आज तक सुना ही होगा कि आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात बहुत हो रही है। आपने सुना है आत्मनिर्भर भारत की बातें? तो क्या होता है आत्मनिर्भर होना? क्या होता है आत्मनिर्भर होना, कौन बताएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो उसी तरीके से ये जो हम लोग आज 74th इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक ऐसे मौके पर आया है जब कोविड है, कोविड महामारी है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को भी ये है कि हम लोग कैसे स्टडीज को लेके आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ठीक है? हम लोग जब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो सब लोग बात कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा है, कोई अपने बिजनेस को लेके बात कर रहा है, कोई अपने वर्क को लेके काम कर रहा है। पर जब हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स और अपने बच्चों से, तो हम बात करेंगे किसकी? अपनी स्टडीज को लेकर आत्मनिर्भरता की, ठीक है? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए यही एक काम है कि उनको आत्मनिर्भर रहना है अपनी पढ़ाई के लिए इस समय, ठीक बात है? तो हम लोग आत्मनिर्भर अपने में कैसे रह सकते हैं? हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ, दो तीन लोगों की स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटी, आप जानते होंगे गांधी जी की, गांधी जी को तो सभी जानते हैं, हमारे महात्मा गांधी को, फादर ऑफ द नेशन। तो देखिए उनको जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, कह रहे ये तो बहुत पतले दुबले से आदमी है और एक एक लाठी लेकर के कैसे ये पूरे भारत को जो है आजादी दिलाएंगे, ये लोगों ने उनके बारे में सोचा। एक हमारे तो उन्होंने आजादी दिलाई, उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने इस आंदोलन को, और जिससे आज हम लोग को आजादी मिल गई, आज हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है? तो इसमें मेन चीज क्या थी? इसमें मेन चीज गांधी जी ने हमेशा कंसिस्टेंट रहे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले हूँ या मैं बहुत पतला दुबला हूँ या मेरे पास सिर्फ एक लाठी है, मैं कैसे देश को आजादी दिलाऊंगा। उनकी सिर्फ एक ये सोच थी कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, हमको जो है लगातार इस पे लगे रहना है, ठीक है? उसी तरीके से जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट है, सबको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो जो भी परेशानियां आए उन परेशानियों में हमें एक रास्ता निकालना होगा जिससे हम लोग की कोई प्रोग्रेस ना रुके। देखिए आप इतनी परेशानियों और इतनी समस्याओं के बाद भी देखिए आपके पेरेंट्स कितना आपके लिए परेशान हुए, आपको मोबाइल लाके दिया, आपके मोबाइल पे इंटरनेट चालू किया सिर्फ इसीलिए कि भाई मेरा बच्चा पढ़ सके, वो प्रोग्रेस कर सके, उसकी प्रोग्रेस ना रुके। आप ये भी देखिए कि इस कोविड में हम आपके सारे टीचर्स, ताकि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस ना रुके, इसके लिए वो लगातार स्कूल आते हैं और काम करते रहते हैं। हमें इस समय बहुत डिसिप्लिन होकर के आगे बढ़ना है, भले ही हमारी प्रोग्रेस स्लो है पर प्रोग्रेस कंटिन्यू रहे, हम लोग को इस पे ध्यान देना है, ठीक है? इसके लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्कूल में हैं, और सारी चीजों के बहुत संभाल के काम करना है। ऐसा नहीं कि सर ने कहा है तो जितने प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने कहे हैं हमको सब प्रिकॉशंस लेते हुए अपने काम पे प्रोग्रेस करना है। हार के थकना नहीं है भाई, देखिए परेशानियां तो जीवन में कभी ना कभी आती रहती हैं, तो हर प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है? और उस सलूशन को ही जो निकालता है परेशानियों में वही असली हीरो होता है, पिक्चर का हीरो हीरो नहीं होता है, पर जो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, उसमें आगे प्रोग्रेस करता है, वही एक सच्चा हीरो होता है। तो इसी तरह से इस प्रॉब्लम में भी सलूशन निकालना, हम लोगों ने आपको सलूशन दिया है, आप उस सलूशन पे वर्क करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करिए और जितनी ज्यादा हो सके मेहनत करिए और आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पेरेंट मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है,
तो वो मुझसे पूछ सकता है, या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वन बाय वन वो मुझसे पूछ सकता है, शायद मैं उसकी मदद कर पाऊं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम पूछ भी सकता है। जी सर बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब असाइनमेंट मैसेज आया है व्हाट्सएप पे कि असाइनमेंट स्कूल से कलेक्ट किया, तो क्या उसके लिए डेली स्कूल आना जाना पड़ेगा कि नॉर्मल ऐसे कभी कभी? नहीं नहीं, देखिए जो हम लोग ने असाइनमेंट दिया हुआ है वो हम लोग बीच बीच में अनाउंस करते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बुक हम लोग मंगवाएंगे हफ्ते में एक या दो बार कॉपी चेक कलेक्शन करने के लिए, तो डेली आने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार आइए, अपनी कॉपी जमा कर दीजिए और जो पुरानी कॉपी उसको लेके चले जाइए। हम लोग क्या बकायदा हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं चीजों को। हेलो सर। और हम लोग अपने पास रखते हैं, हम लोग के पास यूवी रे वाली रॉड भी आने वाली है जिसको हम आपको देने से पहले उसको कॉपी को सैनिटाइज करके ही वापस करते हैं। और हम लोग सारी कॉपी इसलिए भी नहीं मंगा सकते क्योंकि हम लोग को बच्चों को होमवर्क देना रहता है ताकि उनका काम ना रुके। हेलो सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और कोई? हाँ बताओ, पूछो। अच्छा ये बताइए, किसी ने कुछ नेशनल एंथम के कुछ किसी ने कुछ अपने इंडिपेंडेंस डे के कुछ तैयार किया हो तो वो कुछ सुना सकता है? कोई पोयम, कोई ऐसे, कोई स्पीच, किसी ने कुछ तैयार की है? चलो दिखाओ। कौन बोल रहा है? इसका स्क्रीन फुल करो। बताओ कौन है? नाम साबिया हुसैन। साबिया हुसैन, चलो अच्छा बेटा तुम बताओ, अपनी स्क्रीन ऑन करो। साबिया, हाँ वेरी गुड, चलो बताओ। इंडिपेंडेंस डे की गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम साबिया हुसैन फ्रॉम क्लास थर्ड इंडिपेंडेंस डे स्पीच। एज द इंडियन सिटीजन वी शुड नॉट कंसीडर दिस डे फॉर ओनली होस्टिंग स्टाफ एंड इंडियंस इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड शोकेस ऑन अ ग्लोबल डे व्हेन पीपल कम टू नो अबाउट इंडिपेंडेंस डे एंड ऑनर आवर फाइटर्स इन वेरी गुड। चलो क्लैप करो। वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है, नाम बताओ। हाँ हाँ सुनाओ, क्या नाम? कौन? मीट। मीट, जस्ट होल्ड करो, स्क्रीन ऑन करो अपनी। हाँ मीट, अपना स्क्रीन ऑन करो। अच्छा स्क्रीन ऑन है। अरे अभिषेक सर, स्क्रीन करो मीट मीट पांडे का। हाँ मीट, चलो बताओ। मॉर्निंग एवरीवन, मीट पांडे का नहीं आ रहा। हाँ मीट, हेलो सर, तो करो करो। हाँ हाँ बताओ नीत, तुम अपना बताओ। हेलो नीत, हेलो डॉक्टर नीत का डिस्कनेक्ट हो गया, और कुछ सुनाएगा? हेलो सर, आ रही आ रही अब आ रही है, तुम लोग की तो आवाज आ रही है हमको। और कोई बताएगा? हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो शादियां कहीं कर ली अब हो जाए।
हेलो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बताओ सर. शब्बीर तुम बताओ. सर हमने भी एक स्पीच तैयार की है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर. चलो बताओ. बताओ तो. वेरी गुड. यस सर. वीडियो ऑन करो. यस सर. यस सर. सर गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स पेरेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स. आई एम सबीर हुसैन फ्रॉम क्लास 8. टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट ग्रेट नेशनल इवेंट. एज वी ऑल नो दैट इंडिपेंडेंस डे इज एन ब्राइट ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस. इंडिपेंडेंस डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे टू ऑल द इंडियन सिटीजंस एंड हैज बीन मेंशनड फ्रॉम इन द history. It is the day when we get freedom from the British rule after many years of hard struggle by the great of India. We celebrate Independence Day on 15th August to remember the first day of freedom and all as well as to remember the sacrifices of the great leaders who have sacrificed their lives to get freedom for India. हेलो सर. हाँ मीट बताओ. मीट अपना वीडियो ऑन करो. मीट अपना वीडियो ऑन करो. हेलो सर. सर हेलो. हाँ सर. बताओ. अब और कौन कहेगा. पहले अपना नाम, पहले अपना नाम बताइए जो पार्टिसिपेट करना चाहता है. अपना पहले नाम बताइए आप. हेलो राधिका सर. राधिका सिंह. हाँ राधिका. चलो तुम बताओ अपना नाम. चलो अपना क्या पार्टिसिपेट. माय नेम इज राधिका सर. स्टैंडर्ड 7. सर मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में, शहीद दिवस के बारे में सर कुछ बताना चाहती हूँ. हाँ बिल्कुल बताइए. चलिए स्टार्ट. वेरी सर. आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हुए हम उन शहीदों को भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारी सुनिश्चित किया गया हमें हम सर उठाकर जी सके. इसलिए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आज जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे हैं तब हमारी सीमाओं की रक्षा कौन कर रहा है. हम उन वीरों जवान को बलिदान नहीं भूल सकते. जय हिंद. वेरी गुड. वेरी गुड राधिका. बेटा बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया. जिन्होंने स्पीच बोली है प्लीज वो लोग अपना रिकॉर्ड करके भी हमें भेज दे ताकि अपने फेसबुक और यूट्यूब पे उसको डाल सके. राधिका रिकॉर्ड कर. सर रिकॉर्ड कैसे करें. अपने मोबाइल पे, अपने मोबाइल के कैमरे से आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा. हाँ और कौन. नाम बताइए पहले. अपना नाम बताइए. ग्रुप में भेज दिया है. चलो ठीक है. ठीक है. मीट तुम्हारा. हाँ मीट तुम्हारी फोटोग्राफ आ गया वीडियो. चलो तुम बताओ. On 15 August 1947, we got independence from British First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian flag at Red Fort in New Delhi. He also gave his power speech that day. It was called Jayesh Vish Destiny. मीट और हेलो. यस सर. हाँ चलो चलो. थैंक यू. बहुत अच्छी बात. तुम भी अपना रिकॉर्ड करके भेजो ग्रुप में. भाव्या. हाँ भाव्या बताओ. सर हमने रिकॉर्ड करके भेज दिया है. तो अभी यहाँ बताओ यहाँ कौन पार्टिसिपेट करेगा. ला 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 ला.
और कौन बताएगा, और कौन पार्टिसिपेट करेगा? हेलो हेलो, हाँ बताओ, नाम बताओ अपना। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ पूछो, हाँ बोलो। वो आपको वो आपका असगर सर से पूछ लीजिएगा, वो ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा। वो हम बता रहे हैं, बताओ हाँ हाँ बताओ भाभिया। हमारे भारत देश का स्वतंत्र दिवस है 15 अगस्त 1947 में। हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ। यह भारत देश का राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन हमारे देश के लोग शहीद के बलिदान को याद करते हैं। स्वतंत्रता भारत भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। वेरी गुड भाग्या, वेरी गुड, कीप इट अप। और कौन बताएगा? हेलो सर, हेलो सर, हाँ हेलो, नाम बताइए अपना। राजकुमार सिंह। वेरी गुड, बताओ राजकुमार। अनेकता में एकता। हाँ आगे, वेरी गुड, अनेकता में एकता के आगे। हेलो, हाँ बताओ बेटा। ये हमारी शान है। हाँ भारत महान है। जय हिंद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताएगा? यस सर। हेलो सर, नाम बताओ। ऋषि राज बताओ। सर तो यम, हाँ बताओ। सर्दियों की धुम्मी से गुलामी से छूटे हुई और प्यार से सरकट हो गए। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। अपना वीडियो दिखाओ, वीडियो तुम्हारी आई नहीं रही। मेरी वीडियो आई है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और कोई सर? हाँ सर, मेरी वीडियो आई है। हाँ आ गई, आ रही। कौन बोल रहा है? भव्या। हाँ आ रही, आ रही, आ रही। और कोई बताएगा, और कोई पोएम सुनाएगा, स्पीच सुनाएगा? सर नाम, मैं नाम नाम बताइए आयुषी। चलिए आप, चलिए पहले आयुषी बताएगी फिर राज बताएंगे। चलिए बताइए आयुषी, अपना वीडियो ऑन करिए। जगह हम बोलेंगे स्पीच और बिल्कुल आने नहीं पूछने नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आयुषी कुमारी, क्लास 4। Very good. We celebrated Independence Day on 15 August of every year. Next, on this day, 1947, India became independent from British rule. Her number, the Prime Minister hoisted the national flag at the Red Fort, fourth number. Independence Day is our national festival of India.
फिफ्थ नंबर द आर्मी एयरफोर्स नेवी फॉर द परेड फिफ्थ नंबर वी रिमेम्बर अवर फ्रीडम फाइटर्स ऑन दिस डे सेवन नंबर दिस डे टीचर्स अस अबाउट द पावर ऑफ यूनिटी एट नंबर इन स्कूल एंड कॉलेज also celebrated this day and distribute cake. Thank you. Very good, Ayush. Very good. अब कौन बताएगा? सर मैं. सर मैं. नाम बताओ नाम. हर्षित कुमार. अच्छा हर्षित रुक जाओ पहले ऋषि बता दे पहले ऋषि बताएगा फिर तुम बताओ चल ऋषि तुम बताओ वीडियो ऑन करो. हेलो सर हर्ष राज. हर्ष तुम बताओ सुनाओ चलो वीडियो ऑन करो अपना. सर 15 अगस्त यह हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है. 15 अगस्त 1947 में हमारा देश भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था. यह भारत देश का राष्ट्रीय त्योहार है. यह दिन हमारे देश के लोग शहीद के नाम को याद करते हैं. स्वतंत्रता का यह दिन भारतीय शरीर को अमर रखता है. थैंक यू सर. वेरी गुड बहुत अच्छा. अब कौन अर्पित कुमार वीडियो ऑन करो अपना. अर्पित ऑन करो अपना वीडियो. अर्पित अपना वीडियो ऑन करो. सर ऑन है. बताओ. भारत मेरा देश है. इसकी राजधानी दिल्ली है. इसका राष्ट्र हिंदी में बोलो. इसका राष्ट्र है. इसका राष्ट्रीय फूल कमल है. इसका राष्ट्रीय जानवर चीता है. भारत में कई लोग रहते हैं. भारत के लोग बहुत मेहनती हैं. भारत के ज्यादातर लोग खेती करते हैं. भारत में मुझे मेरा देश लगता है. मुझे मेरे देश पर गर्व है. जय हिंद जय भारत. वेरी गुड अर्पित वेरी गुड. चलिए अब सेशन खत्म होने वाला है. अब हम लोग जो है कल से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी. आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और इसी तरह से मेहनत से लगे रहिए और अपना प्रोग्रेस बनाए रखिए. हेलो चलिए अब हम लोग सब चलते हैं. टाइम अप हो रहा है. ठीक है हम लोग सब लास्ट में क्या कहेंगे. जय हिंद जय भारत. वेरी गुड. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी. बाय बाय. बाय सर. आप सभी को बाय बाय. ओके सर.